इधर खबर है कि बिहार में मकर संक्रांति के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और उपेंद्र कुशवाहा को राज्य का दूसरा डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। फिलहाल इस बात की सिर्फ चर्चा है, लेकिन अगर ये खबर सच हुई तो फिर तो तेजस्वी को जोरदार झटका लगेगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के दूसरा डिप्टी सीएम बनते ही तेजस्वी का तेज कम हो सकता है। हालांकि इस बात का कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कुशवाहा ने अपने हाव भाव से जता दिया कि अगर डिप्टी सीएम बनने का ऑफर आया तो वो उसे ठुकराएंगे नहीं। आप ऐसा करने की मौका मिलेगा तो हम कोई सन्यासी है, मठ में हम बैठे हुए। लेकिन आरजेडी ने दबी जुबान से बता दिया कि वो इस बात से नाखुश है। अति महत्वाकांक्षा कष्टकारक भी होता है, यानी बीजेपी को हराने के लिए आरजेडी और जेडीयू ने हाथ तो मिला लिया, लेकिन कुछ मुद्दों पर उनके दिल नहीं मिल पा रहे, जिससे बीजेपी का बैठे बिठाए फायदा हो सकता है। क्योंकि नीतीश कुमार ने खुद कहा था कि तेजस्वी उनके उत्तराधिकारी हैं, लेकिन अगर उपेंद्र कुशवाहा डिप्टी सीएम बने तो उनकी ताकत कम हो सकती है।